नमस्कार, सादा न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बिलाईगढ़ में गिरौदपुरी गुरुदर्शन मेले का आज तीसरा और अंतिम दिन रहा। यह मेला 7 मार्च से शुरू हुआ था जो आज संपन्न हुआ। दरअसल गिरौदपुरी धाम बलौदा बाजार जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर घंघोर जंगल में स्थित है, जो महानदी और जोंक नदियों के संगम में आता है। साथ ही प्रदेश के साथ साथ देश भर में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। गिरौदपुरी धाम को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गिरौदपुर धाम छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। छत्तीसगढ़ राज्य के सतनामी पंथ गुरु घासीदास जी का ये जन्म स्थल और तपोभूमि है। यहाँ बाबा गुरु घासीदास ने एक किसान परिवार में जन्म लिया था और सतपुरुष यानी बाबा गुरु घासीदास के रूप में उन्होंने प्रसिद्धि पाई। कहा जाता है कि बाबा ने औरा धौरा वृक्ष के नीचे तपस्या की थी, जो आज भी उसी जगह पर स्थित है। वहीं इस पवित्र स्थान को तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक चरण कुंड और अमृत कुंड स्थित है, जिसका पानी हमेशा मीठा होता है। पूरी का मेला परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के चौथे वंशज जगत गुरु गुरु अगमदास जी ने शुरू किया था, जिनकी धर्म पत्नी करुणा माता थी, उनके पुत्र विजय गुरु हैं और उनके सपुत्र आज हमारे मंत्री साहब गुरु रुद्र कुमार जी हैं, जिनके सानिध्य में यह मेला बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का इस मेले में इस तरह से आशीर्वाद है कि जो दुखी जन आते हैं, संत समाज आते हैं, उनको उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ लाखों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के दर्शन करके अपने अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ने मनखे मनखे एक समाज का संदेश दिया है, तो ये मेला किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं है। इस मेला में समस्त देश के, भारत देश के ही नहीं, विदेशों से भी आजकल लोग यहाँ आते हैं और अपने जीवन को गुरु बाबा घासीदास जी के चरणों में समर्पित करके। अगर गिरौदपुरी के इतिहास को जाना जाए तो उनका इतिहास भी अनोखा है। सतपुरुष गुरु घासीदास की जन्मस्थली होने के चलते यहाँ 3 दिनों तक गुरु दर्शन मेले का आयोजन होता है, जहाँ देश विदेश से पर्यटक और श्रद्धालु आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते हैं। यहाँ बना सबसे ऊंचा और बड़ा जैतखाम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के लोगों के लिए एक पवित्र स्थल है, जो पग पग में धर्म, आस्था और आशीर्वाद की अनुभूति कराता है। शायद यही वजह है कि तमाम धार्मिक स्थलों में से एक धार्मिक स्थल गिरौदपुरी धाम में गहरी आस्था लेकर देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। हमारे समाज के नहीं है, दीगर समाज के, हर समाज के लोग इस मेले में आते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। वो भुइयां नापना हमारे छत्तीसगढ़ में बोलते हैं, सब भुइयां नापते हुए आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती रहती है। आज से 3 दिवसीय पवित्र गिरौदपुरी धाम का मेला की शुरुआत हुई है। पहले दिन पंचकुंडी में पालो चढ़ा के गद्दी पर रख के वहाँ पर पूजा अर्चना करके इसकी शुरुआत हुई। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा जैतखाम है, जो माना जो सरोवर है, जिस पर पालो चढ़ाया गया है, बाबा जी शाश्वत दिया गया। अगले दिन यानी कि कल छाता पहाड़ में की पूजा अर्चना करके वहाँ पर पालो चढ़ाया जाएगा और अंतिम दिन में मुख्य मंदिर में जैतखाम में पूजा अर्चना कर वहाँ पर पालो वहाँ भी चढ़ाया जाएगा। इस पावन पर परम पुण्य गुरु बाबा घासीदास जी से प्रार्थना करते हैं कि सबके अपनी असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करें।